नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और दोस्तों आज ये देखिए क्या बन रहा है यहाँ मेरे घर पे। छोटी मछली और बड़ी मछली, ये खेतों की मछली है जो खेत में पानी, धान की फसल थी उसमें ये पानी पानी में से मिल रखे हैं। और ये इसके लिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ और मम्मी फिश को धो रही हैं। और आज सिर्फ ये मछली, छोटी मछली बड़ी मछली नहीं बल्कि मटन भी बन रहा है, क्योंकि हमने मटन पहले ही मंगा लिया था और फिर बाद में पीछे जो लोग मछली मारने के लिए गए थे वो ये मछली भी हमें दे के चले गए, क्योंकि हमारे खेत से ही ले रखी है ये मछलियाँ। और इसके लिए अब मम्मी जो है वो मम्मी अपने इस गांव के स्टाइल से छोटी मछली को, फिश को बनाएंगे, जिसके लिए लहसुन का पेस्ट और बना लिया है। ये तेल को गर्म करके उतार के फिर मम्मी अपने हाथों से, ये देखो गर्म तेल से मछली को मिक्स कर रही हैं। और अब इसके ऊपर लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, लहसुन और मसालों का, और ये मम्मी ने मिक्स कर दिया इस पर। और ये बहुत छोटी मछली होती है, चावल के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती है ये। और ये रख दिया है मम्मी ने, और ये अब इसको भाप से ये हो जाएगा थोड़ी देर में ही। और ये मम्मी थोड़ी बड़ी वाली मछली बना रही है, जिसके लिए तरी भी बनाएगी। ये बिल्कुल सूखी है दूसरी वाली मछली जो अभी बनाई है, और ये तरीदार बनाएगी बड़ी वाली मछली को। ये मम्मी बैठी हुई है किचन में और चाय भी पी रही हैं और साथ में खाना बना रही हैं। ये फिश को डाल दिया है और इसको थोड़ा सा तल के फिर मम्मी निकाल रही है। आज कुछ नहीं होने के बावजूद इतना सब कुछ बन रहा है हमारे घर में, तीन तीन डिशेस बन रही हैं। और ये प्याज डाल दिया है इसमें अब, और ये मसाला डाल के मम्मी भून रही है मसालों को। और ये लहसुन और टमाटर वगैरह का पेस्ट है जिसको दीदी ने मटन के लिए तैयार किया था, वो इसमें मिक्स कर दिया है मम्मी ने। और ये फिश जो होती हैं बिल्कुल फ्रेश फिश, बिल्कुल ताज़ी, इनका स्वाद ही एक अलग होता है, बहुत बहुत टेस्टी लगती हैं खाने में। जो फिश के लवर्स हैं उनको फिश बहुत पसंद आएगी इसका यूनिक स्वाद की वजह से। और ये देखिए अब मटन की बारी है, मटन प्रिपेयर कर रही हूँ मैं। ये मटन को साफ़ कर लिया है, गरम तेल रख दिया है। अब इसको दीदी बना रही है बहुत अच्छे तरीके से, और ये फ़िश बनके तैयार है, ये सूखी वाली फ़िश छोटी वाली। और अब ये मटन बन रहा है फाइनली, और दीदी ने इसमें तड़का दे दिया है मसालों का। और अब दीदी अपने स्टाइल, दीदी मेरी जो है वो मटन बहुत अच्छा बनाती हैं, मतलब मटन ही नहीं सारे खाने बहुत अच्छा बनाती हैं, बस वो कोई भी खाना। और सबसे बड़ी बात कि बहुत जल्दी बना लेती है, मतलब ज़्यादा टाइम ही लगता है। किसी किसी का हाथ होता है खाने में जो बिल्कुल बैठा हुआ होता है, वैसी हाथ है मम्मी और दीदी का, मतलब चुटकी भर में। अगर यही खाना मुझे बनाना होता ना जाने कितने घंटे लग जाते हैं मुझे इन सबको बनाने में। और ये दीदी है, ये देखिए फटाफट मसाला भी प्रिपेयर हो गया, इसमें डाल दिया है। और ये मसाला डाल के अब दीदी कर रही है, और कुछ टाइम में ही मटन बन के तैयार हो जाएगा। और तीन, मतलब हम तीन लोग हैं और इतने सारा खाना बन रहा है। और ये मैं शाम का बिस्तरा वगैरह बिछा रही, जब तक खाना प्रिपेयर हो गया तब तक मैंने सबके बिस्तरे सोने के लिए रेडी कर दिए हैं। मेरा बाबू का ये यहाँ पे मेरे गोलिस होता है, यहाँ पे मेरी दीदी का लड़का है, यहाँ पे मैं और मेरा बाबू सोएंगे। ये मेरे बाबू की कार है और ये ट्रेन, ये रात में इसे लेके सोता है खिलौनों को अपने साथ में। और ये साफ़ कर दिया है मैंने। मम्मी यहाँ पे बैठी हुई हैं, जो छोटी वाली फिश बनाई थी उसको टेस्ट कर रही हैं। ये दीदी हैं, सबके बिस्तरे अलग अलग लग गए हैं। और ये खाना देखिए फाइनली, ये मछली और ये मटन और ये चावल के साथ में, मतलब मज़ा आ गया खा के, इतना टेस्टी खाना, मतलब और सही, और मतलब खाना बहुत ज़्यादा था, बच भी गया, लेकिन खाना बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही मज़ेदार। मटन और फिश तीन, दोनों फिश बहुत टेस्टी बनी थी और मटन भी बहुत टेस्टी बना था। और ये मैं, मम्मी, दीदी और बच्चे सब साथ में बैठ के इस डिनर को एंजॉय कर रहे हैं गांव में, क्योंकि अभी इस टाइम पे हम ही लोग हैं गांव में यहाँ पे। और ये देखिए मम्मी को मैंने निकाल के दे दिया है सबसे पहले मटन और चावल, और उसके बाद मैं दीदी और गोली को दूंगी। और जुगनू भी है यहीं पे, जुगनू के लिए भी मैंने दिया है थोड़ा सा चावल और एक पीस मटन, उसको अलग से थोड़ा मम्मी प्रिपेयर करके। ये मैं, मम्मी और दीदी बैठ के अब खा रहे हैं अपना ये